नमस्कार, आप देख रहे हैं लगातार लाइव और मैं हूं रूपम किशोर सिंह। हम अभी लोबी हवेली में हैं। ये लोबिन हेमरम का दुमका का आवास है और उसका ये सभागार है। इस सभागार में अभी 1932 खतियान को लेकर विभिन्न संगठनों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें छात्र संगठन भी जुड़े थे और भी आदिवासी संगठन, बहुत तरह के लोग जुड़े थे। इस बैठक के बाद क्या कहना है लोबिन हेमरम का, आप वो सुनिए। सारे संगठन के लोग यहाँ आए थे और 1932 खतियान वाला भी कुछ बातें हुई, उसके साथ SPT एक्ट, CNT एक्ट, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, और काफ़ी लोगों का बात भी सुना गया, हमारी बात को भी लोगों ने सुना। और मूलतः हमारा कहने का ये तात्पर्य था, ये 1932 का खतियान अभी मात्र कैबिनेट में पास हुआ है और इतना सुनते ही हमारे लोग इतना जश्न मना रहे हैं। चलिए, एक जश्न तो बाद में बनाना चाहिए, क्योंकि ये अभी हुआ कुछ नहीं, ये तो सिर्फ कैबिनेट में पास हुआ है, अभी सदन में भी नहीं आया। इसका क्या प्रारूप है, नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल उठाया था हमारे सामने। जब माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 22 तारीख को बैठक हो रही थी और उस बैठक में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गीता कुमार जी भी आई थी, उन्होंने सवाल किया था कि हम लोगों की तरफ तो 1964-65 में हुआ है, तो बहुत बात इधर उधर करके लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो अभी कैबिनेट में पास हुआ है, अभी कोई एक्ट थोड़े बना है। उस समय हमको थोड़ा सा लगा कि अरे भाई ये क्या बोल दिए, तो ठीक है, कैबिनेट में पास हुआ है, सदन में पास होना है। क्या सदन में तो आप ही लोग रहेंगे? सदन में तो होगा ही, लेकिन इसको भी स्पेशल असेंबली बुला करके, स्पेशल सत्र बुला करके इसको जल्दी बाद में पारित करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। और इसके साथ साथ है, स्थानीय नीति को नहीं जोड़ा गया, ये नियोजन नीति को नहीं जोड़ा गया। 1932 खतियानी आधार पर ये नियोजन नीति होना चाहिए, क्योंकि उसी की तरफ ज़्यादा यहाँ के जितने पढ़े लिखे नौजवान युवक और युवतियाँ हैं उधर ज़्यादा ध्यान है। तो दादा, इस स्थिति में जैसे गीता कोड़ा, मधु कोड़ा जो है बगावत से आ गया, जो हम लोग कहाँ जाएंगे अब, उसका जवाब हम कैसे दें? तो अभी तक की स्थिति में क्या माना जाए, सरकार की तरफ से लॉलीपॉप थमाया गया? अब अभी तो एक तरफ से हमको लगता है कि लॉलीपॉप ही, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं तो और क्या समझेंगे, अगर होगा तो ठीक है, उस दिन जश्न मनाएंगे। इन मुद्दों को लेकर आपने मोर्चा का भी गठन किया था? देखिए, मोर्चा का तो गठन हुआ है, ये हम अकेले थोड़े किए हैं, 53 संगठन के लोगों ने मिलकर के हम लोग। तो आपने सुना लोबिन हेमरम को, अब हम उन लोगों से बात करते हैं जो विभिन्न संगठन से हैं और इस बैठक में आए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी, सर अपना परिचय दीजिएगा। डॉक्टर सुशील मरांडी, और मैं फिलहाल आदिवासी कांग्रेस, झारखंड आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ? आज जो यहाँ इस जगह हम बैठे, इसमें विभिन्न संगठन के लोग आए थे, उसमें मेन चीज़ जो मुख्य बात थी यहाँ कि फिर इस कुछ दिन पहले से जो आंदोलन चल रहा था 1932 खतियान को लेकर के, और उस आंदोलन के फलस्वरूप जो कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास कराया कि जी 1932 के आधार पर ही स्थानीयता नीति तय होगी, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने धन्यवाद दिया का संगठन मिल करके उनको, और साथ साथ हम लोगों ने बात की कि उस दौरान जो कुछ भी घटना घटी होगी, अच्छी बुरी, उसका थोड़ा बहुत जायज़ा हम लोगों ने लिया, और आने वाले दिन में क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्योंकि अब तक ये जो नीति स्पष्ट नहीं है, ये सिर्फ कैबिनेट से पास हुआ है, 1932 के आधार पर स्थानीयता नीति तय होगी। तो स्थानीयता नीति तय होने के बाद बहुत सारे बातें हैं, जैसे कुछ लोग या हमारे माननीय सांसद मधु गीता कोड़ा जी
का प्रश्न था कि उन लोगों का क्या होगा जिनका आखिरी सर्वे 1932 के बाद हुआ है, जैसे कोल्हान में कहीं 68 में हुआ है, कहीं 72 में हुआ है, तो उन लोगों को इसमें कैसे समायोजित किया जाए, ये प्रश्न उन्होंने किया था, जिसका जो उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं दिया। वो भी आज हम लोगों के बीच में चर्चा हुई कि जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो या समाज के जो नीचे के लोग हैं, उनको इस 1932 का खतियान आधारित स्थानांतर नीति में कैसे समायोजित किया जाए और सबके साथ न्याय हो, साथ ही जिनका योगदान झारखंड को अब तक आगे लाने में उनका योगदान रहा है, जो भले ही वो फिलहाल उनका खतियान में नाम दर्ज नहीं हो, उनका भी क्या योगदान आगे होगा और कैसे उनको समायोजित किया जा सकता है, इस सब बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से बातचीत की और आने वाले दिन में फिर हम बात करेंगे और एक ऐसा प्रारूप हम बना करके कैबिनेट को देने जा रहे हैं जिसमें ये जो आंदोलन जो में जो शामिल हैं, जो एक मोर्चा जो बना है, ये किस तरह की सोच रखता है, स्थानांतर नीति कैसे हो, इसका प्रारूप हम बना के उनको देंगे, ये आज तय हो गया। तो अभी जो वर्तमान में जो गतिविधि चल रही है उससे कितना संतुष्ट हैं? जहाँ तक एक वासिंदा के हैसियत से, एक सिंपल साधारण नागरिक के हैसियत से, ये कतई नहीं लगता है कि हम संतुष्ट होने वाला कोई चीज़ है। और एक संगठन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये संतुष्ट होने लायक सिचुएशन नहीं है। बहुत सी चीज़ ऐसा सामने आ रही है जो नहीं होना चाहिए, यहाँ हो रहा है, और क्या वजह है, क्या नहीं वजह है और क्यों हो रहा है, इसको जानने की और भीतरता तक जाने की बहुत ज़रूरत है। निश्चित रूप से भीतर तक जाने की ज़रूरत है, ऐसा डॉक्टर सुशील मरांडी बता रहे थे। हम आपको बता दें 1932 को खतियान को लेकर जो आज बैठक हुई, एक बात तो इसमें समझ में आ रहा था कि जो मोर्चा बना था इस 1932 खतियान के आंदोलन को लेकर, लोबिन हेब्रम उसका नेतृत्व कर रहे थे, सभी लोग अभी इससे संतुष्ट नहीं हैं, खुशी मनाया जा रहा है। शिकारी पाला से एक नेता है हमारे साथ, क्या परिचय है सर आपका? मैं हाबिल मुर्मू। आप लोग आज आए थे बैठक में, कि आप लोग संतुष्ट हैं इस 32 के खतियान से? संतुष्ट तो पूर्ण रूप से नहीं है। अभी जो 1932 खतियान लागू करने की बात को लेकर के जो हेमंत सरकार ने कैबिनेट में पारित किया है, मैंने कुछ आंशिक रूप में खुशी तो हुई है कि पहल तो कुछ हुई है, लेकिन अभी और लंबी काम करने की उम्मीद हम कर रहे हैं उनसे। अब नियोजन नीति 1932 खतियान आधारित बने, ताकि यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं और जो लाभ के पद से लोग वंचित हैं, झारखंड बनने के बाद 22 साल तो गुजर गया लेकिन लोगों के हाथ में तो कुछ आया नहीं, तो ये कैसे लोग लाभान्वित होंगे, इस पर बात जोर देने की बात है। केवल इतना ही नहीं कि अब यहाँ के लोग जो झारखंड के लिए अलग आंदोलन किए, अलग झारखंड बनाए और कितनों ने बलिदान दिया, लेकिन यहाँ के मालिक नहीं बन पाए, अभी तक हम गुलामी रह गए, मालिकी भी चाहिए। तो जहाँ से विधि विधान बनता है उसको सरजमीन पर लागू कराने के लिए हमारे लोग जब तक वहाँ पर नहीं होंगे, तब तक हमारा सपना अपना झारखंड के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए ये 1932 खतियान लागू हो, केवल इतना नहीं, नियोजन नीति के साथ और इसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं पैसा कानून और SPT-CNT एक्ट अच्छी तरह लागू हो, उसका नियमावली बने, तब तक यहाँ के लोगों का सपना पूरा होगा। जब तक ये सब कानून नहीं बनेगा और धरातल पर नहीं उतरेगा, लोग अपने आप को वंचित ही समझेंगे। जी, इस बैठक में पाकुड़ से भी लोग आए थे, मार्क बास्की यहाँ का परिचय दे रहे थे। जी, मेरा नाम मार्क बास्की हुआ और हम विशेष करके छात्रों से जुड़े हुए हैं और आपका सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। क्या हुआ बैठक में, आप लोग 32 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, अभी तो सिर्फ कैबिनेट में पास हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी में नहीं हैं। और अभी भी देखिएगा, जो आंदोलन कर चुके हैं, जैसे लोबिन जी के नेतृत्व में हुआ था, हम लोग हर जगह पाकुड़ में साहब भी किए थे, जो आंदोलन किए थे वो खुशी अभी तक नहीं मनाए।
जो आंदोलन नहीं किए थे 32 का मांग जिन्होंने नहीं किया था, आज वो लोग रोड पर हैं। जो विधायक पार्टी के हैं और वो 32 के मांग किए भी नहीं है, वो लोग जुलूस विजय जुलूस बना रहे हैं। तो हम लोग अपनी बैठक का एक यही निर्णय हुआ, यही रणनीति तैयार हुआ कि कम से कम इसको पूर्ण रूप से लागू करें, नियोजन नीति को लागू करें, उसी के तहत पूर्ण रूप से जब लागू होगा उसके बाद हम लोग इसका विजय जुलूस मनाएंगे। आप लोग अभी पूरा संतुष्ट नहीं हुए? हम लोग अभी पूरा संतुष्ट नहीं हुए, बस ये तो एक प्रस्ताव पारित हुआ कैबिनेट में, जब तक पूर्ण रूप से पारित नहीं होता है तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं। हम लोग बात कर रहे थे जो यहाँ बैठक में आए थे, 1932 खतियान को लेकर के एक मोर्चा बनाया गया था, उस मोर्चा का बैठक था, समीक्षा हुई, सभी संतुष्ट नहीं हैं। आपने लोबिन हबीरम को भी सुना, उनका भी कहना है कि अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं आया है, 32 खतियान कैबिनेट में पारित हुआ है, सदन में इसको लाना है। वो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि विशेष सत्र बुला के सदन में इसे पास कराया जाए। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।